और देशभर में घरेलू उड़ानों की सेवा 25 मई यानी आज से शुरू हो जाएगी। ऐसे में देहरादून हवाई अड्डे पर भी तैयारियां तेज है। एयरपोर्ट के हर कोने को सैनिटाइज किया जा रहा है, साथ ही यहां आने वाले यात्रियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रहे इसके लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के डायरेक्टर के मुताबिक सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक ही पूरी तैयारी है। हमारा प्रयास है कि यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक सफर को सुनिश्चित करें, ये उन्होंने कहा। एयरपोर्ट पर सैनिटाइजेशन के लिए सेंसर लगाए गए हैं। गौरतलब है कि 25 मार्च से देश में जारी लॉकडाउन के समय से ही उड़ानों पर पाबंदी है। लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई तक होगा। सरकार की ओर से धीरे धीरे ज्यादातर पाबंदियां खत्म की जा रही हैं। हमारी सारी तैयारियां पूरी तरह हमने करी हुई हैं। हमारा जो मेन मकसद है कॉन्टैक्ट लेस प्रोसेसिंग ऑफ द पैसेंजर्स, यानी कि पैसेंजर जब हमारे एयरपोर्ट पर एंटर करेगा उससे लेकर के और बोर्डिंग तक कॉन्टैक्ट लेस है, किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा। तो उसके लिए जैसा कि हमने देखा है कि स्टार्टिंग में हमने जहां बैगेज पैसेंजर के बोनाफाइड्स आइडेंटिफाई होते हैं, यानी कि टिकट्स, बोर्डिंग पास या उनका आईडी कार्ड, वहां पे हमने पूरा काउंटर बना दिया अलग से।